और इधर जमीन कारोबारी धवन राम की हत्या के बाद एदल हाथू में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सभी गली मोहल्लों का मार्ग बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देखिए, अभी तस्वीरें जो आप देख रहे थे वो सूरज महली की हत्या के विरोध में लोगों ने कटहल मोड़ के पास जाम लगाया है। और अब इधर जिस धवन राम की हत्या हुई है, उस हत्या के विरोध में भी लोग सड़क पर उतर आए हैं, जाम लगा दिया है, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है एदल हाथू में। अब लोग इस मांग पर अड़े हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, पता किया जाए कि हत्यारे कौन थे। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने सहयोगी दीपक के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक। सूरज महली की हत्या के विरोध में एक तरफ कटहल मोड़ के पास लोगों ने जाम लगाया है, आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, दूसरी तरफ एदल हाथू में जिस तरह से कल देर शाम हत्या की गई धवन राम की, अब उसके विरोध में भी लोग सड़क पर उतर आए हैं। जी बिल्कुल आरती, आप देखिए कि महज 12 घंटा में दो हत्या की घटना राजधानी रांची में हुई है। अब दोनों ही हत्या जमीन विवाद को लेकर हुई है। पहला हत्या की जो घटना है वो इटकी में हुआ है, जमीन कारोबारी सूरज महली की हत्या हुई, उसके बाद शाम 6:30 बजे एदल हाथू में, जो एदल हाथू का मेन चौक है जहां पर मैं घटनास्थल पर ही मौजूद हूँ, यहाँ पर धवल राम जो जमीन कारोबारी है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इसके विरोध में दोनों ही जगह पर लोगों काफ़ी आक्रोशित है। जो कटहल मोड़ चौक है उसे स्थानीय लोगों ने, जो आक्रोशित लोगों ने वहां पर जाम किया था, हालांकि वहां पर पुलिस पहुंचकर जाम को हटाया है, लोगों को समझाने बुझाने के प्रयास कर रहा है। वहीं एदल हाथू चौक जहां पे हम मौजूद हैं, जो घटना स्थल कल जो यहां पे घटना घटी है, यहां पर भी बांस बल्ली से यहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया था, सड़क को जाम किया गया था, जिसके बाद जिसकी जानकारी मिलने पर बरियतु थाना पुलिस दल बल के साथ यहां पे पहुंचा और इस बैरिकेडिंग को हटाया गया है और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लोग जिस तरह से कल घटना घटी है, जमीन विवाद को लेकर यह घटना घटी है, पुलिस अपने स्तर से छानबीन की जा रही कर रही है कि आखिर कौन कौन से लोग इस घटना में शामिल है, उसे जल्द से जल्द कैसे गिरफ्तार किया जाए, इसको लेकर के पुलिस प्रयास कर रही है। लेकिन राज्य में जिस तरह से झारखंड प्रदेश जैसे ही बना, उसके बाद से अगर आप हत्या की घटना की बात करें तो सब हर चौथी घटना कहीं ना कहीं जमीन कारोबारी जमीन विवाद से जुड़ा देखने को मिल रहा है। राज्य में अगर बात करें दो वर्षों में 370 घटनाएं हुई है, जो आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो, जिसमें 100 से अधिक घटनाएँ राजधानी रांची में हुई है और इधर 10 माह में लगभग 25 ऐसी घटनाएँ घटी है, हत्या की घटना जो कि जमीन कारोबार से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसी घटनाएं घटती है तो पुलिस की क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि आप देखें कि जमीन कारोबारी जिस तरह से कारोबार में लोग जुड़ रहे हैं, सभी को कम समय पे ज़्यादा इनकम कमाने का ये लालच हो जाता है और यही वजह है कि जमीन कारोबार से जुड़ जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का कोई अपराधी क्यों ना हो, और यही वजह है कि विवाद बढ़ता है और ऐसी घटनाएं होती है। और हम इसी वक्त मौजूद है रांची के एदल हाथू चौक जहां पे घटना कल घटी थी और लोगों में जिस तरह से आक्रोश है। अगर बात करें राजधानी रांची में जिस तरह से हत्या की घटना घटती है तो इसके पीछे की वजह जमीन विवाद आता है, तो जमीन विवाद जो बढ़ता है उसका कई कारण हो सकता है। पहला कारण यह है कि अगर किसी ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा करता है और जो पीड़ित जो ज़मीन के रैयत होते हैं वो थाना जब पहुंचते हैं गुहार लगाने के लिए और वहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो वैसे परिस्थिति में वो करे तो क्या करे, और फिर वो किसी घटना को अंजाम देने या फिर कह सकते हैं कि इसी घटनाएं सामने आती है। दूसरी बात होती है कि अगर किसी ज़मीन को लेकर कोई अगर विवाद है किसी थाना क्षेत्र में, तो थाना
प्रभारी की जिम्मेवारी होती है कि आखिर वैसी घटना को अगर घट सकता है भविष्य में, ऐसी जमीन से विवादित जो चीज़ें हैं तो उस पर भी एक नज़र बना करके रखना चाहिए, उसका एक टास्क फोर्स तैयार होना चाहिए कि किसी थाना क्षेत्र में आखिर कितने जमीन के विवाद ऐसे हैं जिस पर वो चाहे तो उस पर कार्रवाई कर सकता है। समय रहते अगर कार्रवाई होगी तो ऐसी घटनाएँ सामने नहीं आएगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस दोनों ही घटनाओं में जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी कब हो पाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे राजधानी रांची हो या पूरा प्रदेश हो, कोई पर्व त्यौहार होता है तो पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से उस पर्व त्यौहार को कैसे निपटाए इसको लेकर वो काफ़ी प्रयासरत रहते हैं, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करें या कहीं धरना प्रदर्शन जुलूस कुछ भी अगर होता है तो उसे कैसे निपटाया जाए, इस तमाम चीज़ों पर विशेष फोकस रहता है। लेकिन किसी थाना क्षेत्र में अगर कोई ऐसी घटना की आशंका अगर रहती है तो उस पर समय रहते अगर उस पर रोकथाम की जाए तो ऐसी में घटना को होने से बचाया जा सकता है। बताइए यहाँ पर आप लोग रहते हैं, जिस तरह से कल घटना घटी है तो कैसे ये घटना घटी, कुछ यहाँ पे क्या जानकारी मिली? जानकारी मिली कि हम लोग तो सुने कि गोली चला है, बाद में पता चला धवन राम के गोली लगा है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि धवन राम लंद फंद लड़का नहीं था और इतना पैसा वाला भी नहीं था कि पैसा के चलते उसको गोली मारेगा, या ना इतना भारी दलाल था कि उसको वो रंगदारी देने में सक्षम था। वजह क्या है ये पुलिस पता लगावे। यहाँ पर आप लोग जाम करने के लिए पहुँचे? हाँ, जाम कर किए हुए हैं कि एक सीधा साधा इंसान के बेवजह जान क्यों गया। तो ये लोगों का मानना है कि आखिर ये वैसा कोई कारोबारी नहीं था, कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन ज़मीन कारोबारी जितने भी इस क्षेत्र में है या कहीं राजधानी रांची में है तो वो इसका शिकार हो रहे हैं और आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है। ऐसी बात नहीं है कि ये पहली घटना है, लगातार ज़मीन कारोबारियों की हत्या हो रही है और पुलिस प्रशासन को जिम्मेवारी होती है कि किसी भी थाना क्षेत्र में अगर इस तरह की विवादित जमीन का मसला अगर सामने आता है तो उसको समय रहते निपटाया जाएगा, तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होगी। चलिए, तो अब ये देखना होगा कि जिस तरह से अब लोग सड़क पर उतर रहे हैं, लोग आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, तो अब पुलिस कितनी जल्दी उन आरोपियों को गिरफ्तार करती है ताकि लोगों में कम से कम इस बात का भरोसा जगे कि पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी से अपराधी अगला कुछ ऐसा करने से पहले बहुत कुछ बहुत बार सोचेंगे और ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सकेगी एक हद तक। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।